नमस्कार। किताबी दुनिया हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग रचनाकार हरिशंकर परसाई जी की जयंती पर परसाई विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। हरिशंकर परसाई साहित्य की विभिन्न विधाओं में आवाजाही करते हैं। इन सभी विधाओं में वह समाज राजनीति में जो कुछ जैसा चल रहा है उसके खिलाफ अपनी राय रखते हैं। कई मौकों पर परसाई जी को अपने विचारों की कीमत भी चुकानी पड़ी है। इस कड़ी में आज प्रस्तुत है परसाई जी द्वारा लिखा गया निबंध लिटरेचर ने मारा तुम्हें। सुनिएगा। दिवाली पर मैं लक्ष्मी पूजन नहीं करता, न मेरे घर की दीवारों पर भद्दे अक्षरों में श्री लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहे लिखा है, पर न स्वस्तिक का चिन्ह बना। पूजा अपनी प्रकृति से मेल ही नहीं खाती। किसी की पूजा करेंगे तो या तो उसका नुकसान होगा या अपना। मेरा एक दोस्त है जिसकी प्रकृति भी ऐसी है। उसने एक प्रकाशक के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखी और उनके छपने तक प्रकाशक के बाप की मृत्यु हो गई। कई महीने बाद प्रकाशक का मैनेजर मुझे मिला तो कहने लगा कि उनमें से एक भी पुस्तक बोर्ड में मंजूर नहीं हुई। मैंने कहा, यह बहुत शुभ हुआ। अगर उसकी एक भी पुस्तक मंजूर हो जाती तो प्रकाशक का पूरा खानदान मर जाता। उस आदमी के संपर्क से हमेशा अशुभ हुआ है। बदनामी के डर से नाम नहीं बताऊंगा। मैंने भी 10 से 17 साल की उम्र तक लक्ष्मी की पूजा की। पिताजी मुझसे पूजा कराते थे, शायद यह सोचकर कि लक्ष्मी का बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ेगा और वह आ जाएगी। पर वह आई नहीं। साल दर साल मैं उसकी पूजा करता गया और उधर पिताजी का धंधा चौपट होता गया। हर साल दीपकों की संख्या और तेल की मात्रा घटने लगी। पटाखों में भी उम्र बढ़ते मेरी दिलचस्पी कम होती गई। पटाखे बचपन में ही अच्छे लगते हैं। बचपन में मैं वैसे ही शौक के साथ पटाखे फोड़ता जैसे चीन ने अभी अणुबम फोड़ा है। चीन का अभी बचपन है। ब्रॉड होने पर पटाखे अच्छे नहीं लगते। रूस अब अणुबमों से पिंड छुड़ाना चाहता है। कुछ राष्ट्रों और व्यक्तियों का बचपन कभी नहीं जाता। बूढ़े आदमियों को भी मैंने कुत्ते की पूंछ में पटाखे की लड़ी बांधकर आग लगाते देखा है। अमेरिका की टोकिन की खाड़ी में अणु पटाखे लेकर चक्कर लगा रहा है। विषयांतर हो रहा है ना? अच्छा, लक्ष्मी की ही बात करता हूँ। 7 साल लगातार लक्ष्मी पूजन का नतीजा यह निकला कि पिताजी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया और लक्ष्मी का यह भक्त मैट्रिक पास करके नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। नौकरी भी की तो स्कूल मास्टरी, न इनकम टैक्स की न एक्साइज की। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय के क्षेत्र में आया तो कहाँ आए, न सीमेंट के गल्ले में, न हार्डवेयर में, साहित्य में। मति भ्रष्ट आदमी और क्या करेगा। लक्ष्मी अब इस मोहल्ले में आती भी है तो दूर से मेरा नेम प्लेट पढ़कर सड़क के उस बाजू हो जाती है, मोहल्ले के 2-4 घरों में बैठकर चली जाती है, किसी से पूछ भी लेती है। सुना है इस मोहल्ले में कोई एक बड़ा बेवकूफ रहता है, कुछ साहित्य वाहित्य का वाहियात काम करता है। कोई बता देता है कि हाँ वह उधर रहता है, वह मुंह फेर कर चली जाती है। मेरा एक दोस्त कहता है, तुम्हें लिटरेचर ने मारा परसाई। मारा? बिल्कुल मारा। पुस्तक लिखने वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है, कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है, सृष्टि निर्माता से सृष्टि को लूटने वाला बड़ा होता है। मैं कथा लिखता हूँ और वह चौराहे पर कथावाचक कथा बांचता है। वह कथा तुलसीदास ने लिखी थी। कथावाचक की आरती की थाली भर जाती है, ऊपर से भेंट मिलती है सो अलग। मैं एक कथा लेखक सड़क पर खड़ा टुकुर टुकुर देखा करता। उस दिन ज्ञान रंजन ने कहा, यह कथावाचक हिंदी में एमए है। मैंने कहा, उसे देखो और अपने को देखो। एक वह हिंदी का एमए है और एक हम है। एमए करने से उसे अक्ल आ गई और अपनी अक्ल मारी गई। हम लिखने के चक्कर में फंस गए और उसने सिर्फ बाजने का अभ्यास किया। वह चल निकला और हम पाठ्य पुस्तक से कुंजी ज्यादा बिकती है। लिटरेचर ने मारा तुम्हें, मेरा वह दोस्त कहता है। यार पर मैं करता भी क्या। एक तो लक्ष्मी नारी रूपिणी, फिर उल्लू पर उसकी सवारी। जिसने भी उसकी कल्पना की है कमाल किया है। जरूर कोई सोशलिस्ट रहा होगा। जो स्त्री हो और जिसका गाइड उल्लू हो वह इधर आ नहीं सकती। उल्लू कह देगा, देवी अगर उधर जाना है तो कोई टैक्सी कर लीजिए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा।
वह मेरी पूरी जात से घृणा करता है। बेचारी लौट जाती है। मुझे मालूम है उसने कभी कभी कुतूहलवश आने का मन किया है, पर उल्लू ने नहीं आने दिया। उसने अपने सिस्टर और क्लास फेलो को भी इधर भेजा, पर उल्लुओं ने उन्हें भी लौटा दिया। मुझे लगता है लक्ष्मी उभी हुई सी उल्लू पर बैठ जाती है और उड़ती हुई फूल सुनने लगती है। उल्लू उड़ते उड़ते रुक जाता है किसी के पास। कहता है, देवी यह मेरा साला है, इसे कुछ दे दीजिए। लक्ष्मी अपने बैंक का चेक काटकर उसे दे देती है। तो लक्ष्मी बैंक लिमिटेड फेल हो गया है और डायरेक्टर लोग जेल में बंद है, पर उसमें विष्णु की पत्नी के शेयर नहीं थे। उल्लू फिर किसी के पास रुककर कहता है, देवी यह मेरा साडू भाई है। लक्ष्मी फिर उसे चेक काट देती है। इस तरह उल्लू लक्ष्मी को चाचा, मामा, फूफा, भाई भतीजों के पास ले जाता है और चेक दिलवा देता है। लक्ष्मी पूछती है, क्यों रे हरशंकर परसाई तेरा कोई नहीं है? उल्लू कहता है, वह मेरा दुश्मन है, उसका नाम मत लो देवी। लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा ही ऐसी है कि उसे प्राप्त करना अपने वश के बाहर की बात है। लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से निकली थी। समुद्र मंथन अकेले देवताओं ने नहीं किया, उन्होंने दानवों का सहयोग लिया। देवता अकेले समुद्र मंथन करके लक्ष्मी को निकाल लेते तो मैं उनकी जय बोलता, मगर दानवों के सहयोग के बिना वे लक्ष्मी प्राप्ति नहीं कर सके। तो अपनी अर्थव्यवस्था का जो समुद्र है उसके मंथन के लिए मैं दानवों से समझौता करूँ, तब लक्ष्मी बाहर निकलेगी। फिर भी क्या ठिकाना कि वह मुझे मिल ही जाएगी। मामूली देवता तो असंख्य थे, पर लक्ष्मी उन्हें कहाँ मिली? वह सीधे विष्णु के पास गई और गले लग गई। दूसरे देवताओं ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, करते भी कैसे? विष्णु बहुत बड़े थे, शक्ति में, धन में, रूप में और चातुर्य में। स्त्री बनकर जिसने अपने दोस्त शंकर को ठग लिया, उसकी चतुराई की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी सीधी मोनोपोली में जाकर मिल गई। मैं अगर दानवों से समझौता करके अर्थव्यवस्था के समुद्र का मंथन करूं और कहीं लक्ष्मी फिर मोनोपोली के पास चली गई तो? साहित्य में भी तो मोनोपोली है। मोनोपोली छोटे को पनपने नहीं देती। एक गरीब मुनि नारद को शादी करने के लिए एक सुंदर चेहरे की जरूरत पड़ी थी, सो विष्णु ने उसे बंदर का चेहरा दे दिया। फिर खुद जाकर स्वयंवर में बैठ गए और जिस लड़की पर उस बेचारे का जी आ गया था उससे अपने गले में वरमाला डलवा दी। कहते हैं नारद वह तुम्हारा मुंह था। और हुजूर आपका, मुझे भी सलाहें मिलती हैं। आहा, कलाकार तो त्यागी होता है, वह धन के लोभ में नहीं पड़ता। मैं पूछता हूँ, और हुजूर आप पढ़ सकते हैं। धन का लोभ बुरा है तो आप भी उसमें क्यों पढ़ते हैं? ये सब दूसरे को बंदर का चेहरा लगाकर खुद स्वयंवर में बैठने वाले हैं। मेरे एक परिचित व्यापारी कहने लगे, पैसे को पैसा कमाता है। यहाँ बाजार में एक पैसा फेंकते हैं तो वह 10 साथ लेकर आता है। मैंने यह नुस्खा आजमाया। बीच बाजार में खड़े होकर मैंने एक पैसा सड़क पर फेंका। सोचता रहा कि अब यह सारे बाजार के चक्कर लगाकर अपने साथ 10-12 पैसे लेकर लौटता ही है। फिर मैं 10 का नोट फेंकूंगा और 2-4 दिन में सारा बाजार लूट लूंगा। पर वह पैसा वहां से हिला ही नहीं। मैंने उसे वापस जेब में रख लिया। उस व्यापारी से कहा, पैसा तो मैंने भी बाजार में फेंका था, पर वह तो कुछ नहीं लाया। उसने कहा, ऐसे नहीं होता, हमारे पैसे में हुक लगा रहता है, वह पैसों को मछली की तरह फंसा लेता है। अब मैं पैसों में हुक कहाँ से लगवाऊं? मेरा वह दोस्त कहता है, मैं लिटरेचर ने मारा, सरस्वती की तरफ गए तो लक्ष्मी ने तुम्हारी पत्ती काट दी, आखिर इधर क्यों गया? वैसे सच पूछा जाए तो सरस्वती ज्यादा कल्चर सुसंस्कृत है, उसके हाथों में वीणा है, पुस्तक है। पक्षी पर ही सवार करने का मौका आया तो उसने उल्लू नहीं हंस चुना। लक्ष्मी का सारा काम फुहड़ है, सवारी से लेकर श्रृंगार तक। तस्वीर में देखो, फूल पर खड़ी है। अरे खूबसूरत कोमल चीज क्या खड़े होने के लिए है? सौंदर्य बोध बिल्कुल नहीं है लक्ष्मी में। उसे अगर सरस्वती की वीणा मिल जाए तो उसके तार तोड़कर उनसे उल्लू को बांधने लगे। संपन्न पुअर्ता की तरफ सुरुचि आखिर कैसे आकर्षित हो? मेरा दोस्त कहता है,
नहीं होती तो भुगतो, मारा ना तुम्हें लिटरेचर ने, कहने दो उसे, अभी बहुत से फैसले बकाया है, अभी क्या कहा जा सकता है कि कौन मरा और कौन जी गया। नहीं, अब लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी, वे और होते हैं जिनके देवता जल्दी जल्दी बदलते हैं, वे राम को भी प्रणाम कर लेते हैं और रावण को भी, वे दिन को हंस की चोंच सहलाते गपशप करते हैं, देवता बदलना इतना आसान नहीं है और फिर देवी बदलना तो और मुश्किल है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें, आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।